ब्रेक पर वीक में मैं बाबूलाल कटारा से मिली थी और बाबूलाल कटारा ने तो आपको भी पता है बाबूलाल कटारा को दिनेश गोबरिया ने जो डूंगरपुर का बहुत बड़ा व्यवसायी है आरपीएससी का सदस्य बनाया था करीबन छह महीने से बाकी मान लो एक साल से आगे आ जाता है एक महिला को नाम बता रहा था ईडी उसकी सर्च करे उसको पकड़े उसका नाम है सुपर्णा चौधरी ऐसा लगता है अब चौथी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की भी छोटी भी पकड़ ली जाएगी ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। मैं मीडिया के जरिए मेरे दोस्त नाम मनवाल से भी कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी विस्फोटा चौधरी को मैडम को टेस्ट करवाए वरना आपका करेक्टर भी कलंक हो जाएगा। धन्यवाद। चतुर्थ स्थापना दिवस पर विस्फोटा चौधरी बोतल के साथ प्रदेश के किसानों जवानों को हक के लिए समर्पित है जो राजस्थान को लूट रही है। उनके पोता आदमी को यहाँ पे जब मंदिर कर दिए और फिर ये कह रही है शिक्षा रोजगार और महिला सुरक्षा जन जन की है एक कांग्रेस में कांग्रेस से चले जाती है आरएलपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बन जाती है। विश्व को सब करोड़ों की लेन देन दिनेश कोडरिया के पास दिनेश कोडरिया बड़े कारोबारी हैं और मैंने कहा है कि जो अब की बार जितना पैसे का काला धन का कलेक्शन हुआ है वो मुख्यमंत्री जी का वो दिनेश कोडरिया के पास पहुंचा और दिनेश कोडरिया ही उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां सुबह ईडी घुस गई और मैंने जो बताया वो तथ्य प्रमाण होते जा रहे हैं। कहूंगा कि आप मेरे साथ वहां तक चले थोड़ी तकलीफ होगी ताकि पुलिस एसओजी ईडी या इनकम टैक्स उस करोड़ों की नकदी और 10-20 किलो के सोने को जब्त कर ले। मीडिया का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से काला धन बाहर आ जाएगा नहीं तो मैं तो अकेला तो वहां बैठूंगा ही जहां काला धन रखा होगा। जयपुर अभी बता दूंगा चौधरी सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड है इसलिए मैंने पत्रकार वार्ता में एक बार आपको कहा था कि सुरेश ढाका को सरकार किसी भी स्थिति में पकड़ के नहीं लाएगी। सुरेश ढाका को अगर पकड़ के लाती है तो दर्जनों एमएलए दर्जनों मंत्री सेंट्रल एजेंसी के घेरे मांगे। इसलिए मैंने आपको सुबह जल्दी इसलिए तकलीफ दी कि मैं ईडी को कहूंगा कि आरपीसी के चेयरमैन को बुलाए पूरे पेपर का घोटाला उनको पता है नहीं होने का खोडानिया को भी बुलाए और अब तो ऐसा लगता है
ये पेपर लीक की सरगना है, इसके घर ईडी पहुंच गई, तथ्य भी चुका लिया ईडी ने, और ये बाबूलाल कटारा दिनेश खोडनिया के संपर्क में थी। दिनेश खोडनिया गहलोत साहब की सारी प्रॉपर्टी का लेन देन करता है और वहां भी ईडी चली गई। अब मैं सारे मीडिया के भाइयों से प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप उचित समझे तो जो काला धन इकट्ठा किया गया है वहां एक जगह है,